दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एक कार्ट के अंदर एक रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टली हिंज्ड है। यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। कार्ट जो है वो हमारा टुवर्ड्स द राइट एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट, एंड इनिशियली इक्विलिब्रियम पे रॉड हमारा हॉरिजॉन्टल था। तो सवाल ये है इक्विलिब्रियम पोजिशन के अबाउट इस रॉड का स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। एंड एक बार जब ये सब निकल जाए तो फाइंड इट्स वैल्यू, के जो है दैट इज गिवन टू बी 20 न्यूटन पर मीटर, ए नॉट इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, जो हमारा मास है टेक इट एज 1 kg, और जो लेंथ है टेक इट एज 1 meter, ठीक है। तो उसका फाइनल वैल्यू जो है वो पुट करना है। अच्छा, ऑब्वियस बात है, लेट्स मूव टू द फ्रेम ऑफ कार्ट। कार्ट के फ्रेम में मूव कर जाते हैं। अच्छा, कार्ट के फ्रेम में अगर हम मूव करते हैं तो ऑब्वियस बात है हमें मिलेगा एक स्यूडो फोर्स, हमें मिल जाएगा एक स्यूडो फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस एम ए नॉट, यानी पीछे की तरफ हमें एम ए नॉट का एक लगाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन एम ए नॉट जो है वो राइट नाउ तो रॉड के अलोंग ही पास कर रहा है, तो वो तो डेफिनेटली हमारा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम में केवल दो ही फोर्स तो है, एक mg यहां पर और स्प्रिंग का इनिशियल इलोंगेशन ले लो kx0। तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं जो हमारा नेट टॉर्क बैलेंस करते हुए kx0 into l mg into l by 2, so kx0 is equals to mg by 2, ये हमारे पास आ जाएगा। Now, अब एक काम करते हैं, लेट रॉड बी रोटेटेड बाई सम एंगल थीटा। रॉड को अब मैं रोटेट कर दे रहा हूं बाई सम एंगल थीटा। तो सम एंगल थीटा पे रोटेट करने पे जो सिनेरियो होगा, ध्यान दो, ये वाला एंगल हमारा थीटा है। नाउ ऑब्वियस सी बात है, ये वाला लेंथ क्योंकि हमारा एल है, तो ये जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी एल थीटा, ठीक है। तो यहां पर एक तो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स होगा, यहां पर एक मेरा एमजी होगा सेंटर ऑफ मास से, लेकिन अब टॉर्क प्रोड्यूसिंग फोर्स की तरह मुझे एम ए नॉट को भी तो काउंट करना पड़ेगा। ये हमारा है फोर्स एनालिसिस। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, दिस इज थीटा, वेरी स्मॉल, ऑब्वियसली बात है बहुत स्मॉल होना चाहिए। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स मेरा कितना हो जाएगा यहां पर, के इंटू एक्स नॉट प्लस एल थीटा। यहां पर है मेरा एमजी, जिसका ऑब्वियसली दो कंपोनेंट है अगर हम ध्यान दें, एक इस रॉड के परपेंडिकुलर और एक रॉड के अलोंग, हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। अच्छा, कौन सा वाला एंगल हमारे पास ऑपस थीटा आएगा, अगर हम ध्यान दें ये हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। ठीक है, सो ये वाला डायरेक्शन पे जो हमारा फोर्स होगा दैट विल बी एमजी कॉस थीटा, ठीक है, दैट विल बी एमजी कॉस थीटा। और दूसरा जो हमारा फोर्स है वो है मेरा
इस डायरेक्शन में एम ए नॉट। अगेन इसका दो कंपोनेंट है, एक हमारा इसके अलोंग और एक इसके पैरेलल, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, सो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट जो आएगा दैट विल बी एम ए नॉट इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। अच्छा, सिमिलरली ऑब्वियस सी बात है, इसको भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेते हैं और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, जस्ट लाइक एमजी में कोई फर्क नहीं पड़ा था, ये वाला एंगल भी हमारा थीटा है। तो जो मेरा नेट रिस्टोरिंग टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल्स टू के एक्स नॉट प्लस एल थीटा कॉस थीटा इंटू एल, ये वाला टॉर्क अपवर्ड, माइनस एम जी कॉस थीटा इंटू एल बाई टू माइनस एम ए नॉट साइन थीटा इंटू एल बाई टू, ये हमारे पास नेट टॉर्क आएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा तो हमारा वन है, सो दैट विल बी के एक्स नॉट एल प्लस के एल स्क्वायर थीटा माइनस एम जी एल बाई टू माइनस एम ए नॉट एल बाई टू इंटू थीटा। एंड नाउ ये दोनों को, ये दोनों तो इनिशियल कंडीशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो व्हाट वी हैव इज के एल स्क्वायर माइनस एम ए नॉट एल बाई टू इंटू थीटा, नेट टॉर्क जो इसके ऊपर लग रहा है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू अल्फा। सो हमारे पास अल्फा जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू थ्री के बाय एम माइनस थ्री ए नॉट by 2L into theta, and by definition this is my omega square, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा यहां पर जल्दी से निकाल लेते हैं, k जो है वो है मेरा 60 हो जाएगा ये वाला, और a नॉट जो है वो मेरा 10 है, तो 30 डिवाइडेड बाई 2L तो मेरे पास हो जाएगा 15, so that will be equals to 45, ठीक है। So time period T 2 pi root 45 second, ठीक है, and that can be written as 2 pi by 5 root 3 second. ओके, सिंपल क्वेश्चन है, स्यूडो फोर्स लगा देना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, बाकी तो अपने आप हमारा सॉल्व हो जाएगा, सिंपल टॉर्क और फोर्स एनालिसिस से हमारा गेम जो है वो आगे चलता रहेगा। ओके ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। यहां पर दो मेरे पास मास है, दो पॉइंट मासेस है, और जो दो मासलेस रॉड के सहारे लगा हुआ है और एक नेल है, नेल में वो दोनों रॉड लगा हुआ है जिसके अबाउट ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, दोनों नेल इस तरीके से फ्रीली रोटेट कर सकता है, दोनों जो हमारा मास है वो मास के बीच में एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट की, इनिशियली वो हमारा नेचुरल लेंथ पे था, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में था ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। अगर मैं एक छोटा सा डिस्टर्बेंस देता हूं तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ रहा है वो अगर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आ रहा है, देन व्हाट इज द रिलैक्स्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ऑब्वियसली स्प्रिंग राइट नाउ मेरा नेचुरल लेंथ पर है,
अच्छा मैं कुछ बिना जाने सबसे पहले एक चीज देखना चाहता हूं, जो यहां पर मेरा सिस्टम है, ठीक है, मान लो यहां पर जो एंगल बनाता है दैट इज थीटा, ठीक है, तो इधर अगर थीटा बनेगा तो इधर भी हमारा थीटा ही बनने वाला है, और स्प्रिंग जो है वो मेरा नेचुरल लेंथ पर यहां पर है। अब मैंने क्या किया, ये वाला पूरा सिस्टम को एक हल्का सा इस तरफ डी थीटा अमाउंट से और इस तरफ भी बाय सिमेट्री डी थीटा अमाउंट से डिस्टर्ब किया। सो जो मेरा स्प्रिंग है वो स्प्रिंग ऑब्वियसली उसका लेंथ जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा ये वाले का जो हमारा लेंथ था एल स्प्रिंग वो मेरा कितना था, अगर हम ध्यान दें ये मेरा एल है ये मेरा थीटा है तो ये आधा लेंथ जो आएगा वो एल साइन थीटा आएगा, तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वॉज 12 साइन थीटा, राइट। सो जब मैं एंगल को चेंज करके थीटा प्लस डी थीटा करूंगा तो जो मेरा स्प्रिंग का लेंथ पर चेंज आएगा डी एल एस दैट विल बी 2 के एल, सॉरी क्या लिख रहा हूं, 2 एल कॉस थीटा इंटू डी थीटा। So that is a change in length of the spring. And उस कारण पे जो हमारा स्प्रिंग फोर्स होगा, जो हमारा स्प्रिंग फोर्स होगा दैट विल बी 2 के एल कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारे पास आने वाला है, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको एनालाइज करूं किसी भी एक को, इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और बाकी इस वाले बॉल के ऊपर कुछ इस तरीके से टेंशन लग रहा है। सो वो जो टॉप मोस्ट पॉइंट का मेरा नेल है ये वाला लेंथ तो मेरा एल है, तो मैं स्प्रिंग फोर्स को अगर दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल कितना आएगा, दिस इज थीटा प्लस डी थीटा, तो ये मेरा 90 प्लस दिस है, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा प्लस डी थीटा। तो इसको रिस्टोर करने के लिए जो टॉर्क लगेगा इसके ऊपर अबाउट दिस पॉइंट टाउ, वो टॉर्क मेरा कितना हो जाएगा, that torque will be nothing but fs cos theta plus d theta into l, that is a restoring torque and that can be, isko main approximately to theta hi maan sakta hu, koi farak nahi padta hai, so that will be 2 kl square cos square theta into d theta, ये हमारे पास टॉर्क आएगा और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई दैट इज सिंपली एमएल स्क्वायर, सो एमएल स्क्वायर इंटू अल्फा इज ए 2 के एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो एल स्क्वायर इज गॉन, तो हमारे पास अल्फा जो आएगा दैट इज 2 के कॉस स्क्वायर थीटा बाय एम इनटू डी थीटा, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन दिस इज माय ओमेगा स्क्वायर, माय डेफिनेशन दिस इज माय ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है, 2 के
by m into cos squared theta. But omega square तो हमें already दे रखा है k by m. Time period अगर 2 pi under root m by k है, तो ये वाला जो omega square का value है, वो तो मेरा simply है k by m. So ये मेरा k by m आ चुका है. So cos squared theta equals to half. So theta मेरे पास आ जाएगा 45 degree. So length of the string जो हमारे पास आएगा, that will be simply equals to root 2 L. Substitute the value over here. Length of the string जो आएगा, that is simply equals to root 2 L. ये system जो है, वो एक right angled isosceles system बना रहा है. Okay? Okay दोस्तों, तो ये वाला question देखते हैं, क्या बोला है? मेरे पास एक uniform cylindrical pulley है, ठीक है, heavy pulley है, जिसका मास m है और रेडियस r है. उसके सफिशिएंटली रफ है, जो कोई स्लिपिंग वगैरह नहीं होगा. इसका एक एंड पर मैंने एक मास m को फिक्स किया हूं, यहां से एंगल अल्फा बनाते हुए, और दूसरी तरफ धागे के सहारे एक काउंटर वेट लटका हुआ है m डैश, जो कि हमारा गिवन नहीं है, ठीक है, नॉट गिवन टू अस. ये बोला है ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे है. तो ये सिस्टम अगर हमारा इक्विलिब्रियम पे है, तो सवाल यहां पर ये है, ये वाले सिस्टम का स्मॉल ऑसिलेशन के अबाउ, स्मॉल ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है. अच्छा, मैं अगर इक्विलिब्रियम को एनालाइज करूं, तो यहां पर इस पॉइंट से, अच्छा ऑब्वियसली इसका जो mg है वो तो इसके सेंटर से ही लग रहा है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. यहां पर mg है और यहां पर टेंशन है, जिसका वैल्यू डेफिनेटली m डैश g हमारा होने वाला है. So, ये अगर मैं पॉइंट ओ बोल देता हूं, टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ, अगर मैं ओ के अबाउट टॉर्क लू, टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ, हमारे पास क्या आ जाएगा? नाउ एमजी का जो टॉर्क होगा उसका वैल्यू क्या होगी? That will be ये distance, अगर हम देखें, this is r, this is alpha, so this will be r sin alpha, this will be r sin alpha. So mg r sin alpha, that must be equals to m dash g into r. तो जो हमारा m dash का value है, that must be equals to m sin alpha. That is the mass of my counterweight. M dash will be simply equals to m sine alpha. Okay. Now, the whole system is rotated clockwise by small angle theta. इसको मैंने इस तरीके से small angle theta से rotate किया हूं, ठीक है. अच्छा, तो obvious सी बात है, m dash comes down by r theta. m dash जो है वो r theta amount से नीचे आ जाएगा. अगर x के टर्म्स में एनालाइज करना चाहोगे, तो x का वैल्यू r थीटा है. खैर, दैट रीजन डजंट मैटर. तो यहां पर अगर मैं इसको एनालाइज करूं, ठीक है, सो यहां पर मेरे पास m है, और ये जो एंगल बनेगा, दैट इज अल्फा प्लस थीटा. ये जो एंगल यहां पर बन रहा है, दैट इज अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि ये हमारा थीटा एंगल से और मुड़ा है. तो वर्टिकल के साथ जो ये नया एंगल बनेगा, दैट विल बी अल्फा प्लस थीटा. एंड यहां पर जो हमारा टेंशन होगा, उसको मैं टीटा टी बोल देता हूं.
ठीक है, और रेस्टोरिंग टॉर्क के कारण ऑब्वियस बात है एमजी रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करना चाहिए, तभी तो हमारा ये सिस्टम जो है एसएचएम कर पाएगा। मान लो जो हमारा एंगुलर एक्सिलरेशन है इसका, वो है मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, एमजी इंटू आर साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस टी इंटू आर, ठीक है, माइनस टी इंटू आर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गलती मत करना, मेरे सिस्टम के अंदर एम जो है मेरा खुद एक पार्ट है, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट तो होगा। दैट विल बी एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू बीटा। और उसी के साथ अगर मैं ब्लॉक को एनालाइज करूं, यहां पर ऊपर टी लग रहा है, नीचे एम डैश जी लग रहा है, जिस कारण पे यहां पर एक्सिलरेशन ए है, जहां पर ए का वैल्यू डेफिनेटली मेरा बीटा आर है। सो ये वाला इक्वेशन लिखते हुए मैं लिख सकता हूं टी माइनस एम डैश जी दैट विल बी इक्वल्स टू एम डैश इंटू ए, सो दैट विल बी इक्वल्स टू एम डैश बीटा आर। सो सॉल्विंग के लिए ये वाला इक्वेशन को मुझे इंटू आर कर देना चाहिए, और फिर पूरा इक्वेशन को जो है वो हमें ऐड कर देना चाहिए। तो एम जी आर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस एम डैश जी आर, ठीक है, so that will come out to be equals to beta r square into capital M by 2 plus small m plus m dash. This is what I can write. अच्छा इस चीज का वैल्यू क्या आएगा, एम जी आर कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, उसको मैंने थीटा लिख दिया, प्लस एम जी आर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, उसको मैंने वन लिख दिया, माइनस एम डैश जी आर, सो दैट विल बी बीटा आर स्क्वायर एम बाई टू प्लस एम इंटू वन प्लस साइन अल्फा, एम डैश का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। एंड क्लियरली सी यहां पर जो ये टर्म है ये तो मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, सो हियर वी कैन सी आर आर काट दो, जो मेरे पास बीटा आएगा that will be mg cos alpha divided by r m by 2 plus m into 1 plus sin alpha into theta, ठीक है। और एक बार जब ये वाला चीज आ गया है, मैं आगे और टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ट्राई टू रियलाइज दिस इज नथिंग बट माई ओमेगा स्क्वायर। ओके ओके दोस्तों, मेरे पास एक कर्व सरफेस है जिसका रेडियस है आर, और उसके अंदर एक हमारा ये जो बॉल है, दैट बॉल सॉलिड सिलेंडर, बॉल बोल रहा हूं, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज पुट व्हिच कैन रोल विदाउट स्लिप,
ऑब्वियसली बात है ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजिशन है, जी मेरा इस डायरेक्शन पे है, वर्टिकल डायरेक्शन पे। नाउ यहां पर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, देन वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। तो किस तरीके से करेंगे, तो मान लो अबाउट द सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं सिलेंडर, लेट इट रोल्स बाय सम एंगल दैट इज इक्वल्स टू फाइव। ये कुछ एंगल फाइव से जो है वो हमारा रोल करता है यहां पर, ठीक है। अच्छा तो यहां का सिनेरियो को अगर मैं ड्रॉ करूं, ये मेरा इनिशियल सिनेरियो है और फाइनली ये कहीं पर रोल करते हुए मान लो यहां पर पहुंच गया है, रोल करते हुए वो यहां पर पहुंच गया है। ये कर्व लग नहीं रहा है प्रॉपर, लेकिन है, ठीक है। नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें, क्योंकि ये रोड टच कर रहा है तो अभी भी तो ये कॉमन नॉर्मल होगा हमारा, इसके ऊपर फोर्सेस जो लगेगा वो फोर्सेस क्या क्या होगा, एक तो सेंटर ऑफ मास से हमारा mg लगेगा और एक यहां पर हमारा नॉर्मल लगेगा और यहां पर ये हमारा स्लिप कर, ये हमारा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, ठीक है। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करने के लिए इसका एक्सीलरेशन तो इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे टेंजेंशियली हमारा यहां पर लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स इस तरीके से टेंजेंशियली जो है वो हमारा यहां पर लग रहा है, राइट। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज अब ध्यान दो, ये वाला एंगल जो है मान लो ये एंगल हमारा है थीटा, ये वाला एंगल जो है सपोज दिस एंगल इज थीटा। अच्छा क्या थीटा और फाई में कोई रिलेशन में निकाल सकता हूं, ध्यान दो ये जो मेरा कर्व्ड पाथ है क्या इसका लेंथ हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, जवाब है जी हां। अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग किया है और सेंटर जो है उसका फाई एंगल से रोटेट किया है तो इसका जो टोटल सर्कमफेरेंस कॉन्टैक्ट पे आया है वो डेफिनेटली मेरा आया है आर फाई, और वो जो हमारा कॉन्टैक्ट हुआ है वो तो इसी लेंथ पर हुआ है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड स्मॉल आर इंटू फाई will be capital R into theta. Small r into phi will be capital R into theta. मैं length of the arc को मैं दो different तरीके से निकाल रहा हूं। So now यहां पर mg को मैं दो component पे resolve कर लेता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा, and ध्यान देना ये वाला angle जो होगा this angle is again going to be theta. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, जो mg sin theta minus f that will be equals to m into acm और f into i will be mr square, sorry mr square by 2 into alpha and alpha into small r that will be equals to acm, ठीक है। this is what I can write, so
सो यहां पर तुम्हें आरआर काट देता हूं। सो यहां पर मेरे पास क्या जाएगा, एम ए सी एम बाई टू। सो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू थ्री एम ए सी एम बाई टू। तो ए सी एम मेरे पास आ जाएगा टू जी साइन थीटा बाई थ्री। ये हमारे पास ए सी एम आ जाएगा। और ये मेरे पास एक बार ए सी एम आ गया है तो अल्फा विल बी टू जी बाई थ्री आर इंटू थीटा। इट विल बी टू जी बाई थ्री आर इंटू थीटा। ये क्योंकि साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा जो है वो तो बोल सकता हूं, बट मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। मुझे जो करना है वो तो विथ रिस्पेक्ट टू, मैं बार बार गलत लिख रहा हूं सॉरी, हाँ हमें तो चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू फाई। सो अगर मैं थीटा का वैल्यू पुट कर दू थ्री टू जी बाई थ्री आर इंटू आर फाई बाई कैपिटल आर, सो दैट विल बी टू जी बाई थ्री आर इंटू फाई। सो हमारे पास अल्फा प्रोपोर्शनल टू फाई जो है वो आ चुका है। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली टू जी अपॉन थ्री आर। तो टाइम पीरियड टी जो आ जाएगा टू पाई अंडर रूट थ्री आर बाय टू जी, दैट विल बी द टाइम पीरियड। यहां पर एक ही मेन इंपॉर्टेंट फंडा था, वो है ये वाला जो यहां पर जो मेरा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट सर्कमफेरेंस हम कैसे भी मेजर करें वो तो हमारा सेम ही आना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, बाकी तो हमारा नॉर्मल एनालिसिस है वो समझ में आ जाना चाहिए। ओके ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक कर्व सर्फेस है जिसका रेडियस है आर और उस पर एक सॉलिड सिलेंडर है ऑफ रेडियस स्मॉल आर। लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर है, ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम सेट है। अब अगर मैं छोटा सा डिस्टर्बेंस इसको देता हूं तो मेरा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा वो चीज हमें निकालना है। अच्छा एक चीज यहां पर ढंग से ध्यान दो, दिस इज माय इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अबाउट आई ए आर it is given a small disturbance of angle that is equals to phi। यहां पर हमारा एक छोटा सा डिस्टर्बेंस मैंने दे दिया, that is equals to phi, very small disturbance। अच्छा सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं इस आई आर के अबाउट फाइव से मैंने किया हूं, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू आर फाइव। अब मैं इसको यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं एक बार के लिए। नाउ ध्यान दो, ये है मेरा इनिशियल पोजीशन और सेंटर ऑफ मास रोटेट करके मेरा अब यहां पर पहुंच गया है। सेंटर ऑफ मास रोटेट करके मेरा यहां पर पहुंच गया है, तो ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज इक्वल्स टू थीटा। ये एंगल जो है दैट एंगल इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। अच्छा बाय द वे ये वाला रेडियस जो है वो है मेरा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इनटू। सो यहां से अगर मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखूं तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट में ये भी लिख सकता हूं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इनटू थीटा। और ध्यान देना ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो हमारा इक्वल है। सो
अब अगर मैं इसका फोर्सेस लिखता हूं, सो ये वाले पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड मेरा mg लग रहा है, यहां से लग रहा है मेरा नॉर्मल, और लोएस्ट मोस्ट पॉइंट के अबाउट लग रहा है फ्रिक्शन। एंड mg को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला डायरेक्शन पर आ जाएगा mg sin थीटा। तो मैं अपना एनालिसिस को IAR यानी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट करना चाहता हूं, तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट के अबाउट अगर मैं करता हूं, तो ओनली केवल एक ही टॉर्क प्रोड्यूसिंग फोर्स है, दैट इज mg sin थीटा। तो टॉर्क अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली mg sin थीटा इंटू स्मॉल r। एंड क्योंकि थीटा हमारा स्मॉल है, तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज mg r इंटू थीटा। अब जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 3mr स्क्वायर बाय 2, स्मॉलर, तो 3m स्मॉल r स्क्वायर बाई 2, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, राइट। सो मैं ये चीज लिख सकता हूं, जो 3m r स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, दैट कैन बी रिटन एज mg r इंटू थीटा। सो rr इज गॉन, mm इज गॉन, तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा 2g बाय 3 स्मॉल r इंटू थीटा। पर दोस्तों एक अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो, हमें अल्फा थीटा के साथ प्रोपोर्शनल नहीं करना है, हमें तो डिस्टर्बेंस के साथ प्रोपोर्शनल करना है, सो दैट हैज टू बी फाई। तो यहां से अब मेरे पास रिलेशन आएगा, ध्यान दो, अल्फा जो मैं लिख सकता हूं दैट कैन बी रिटन एज 2g बाय 3r, नाउ थीटा का वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल्स टू r phi डिवाइडेड बाय कैपिटल r माइनस स्मॉल r। नाउ rr इज गॉन, सो दिस कैन बी रिटन एज 2g बाय 3 टाइम्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू फाइ। सो अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा, हमारे पास फाइ आ चुका है हमारे पास, सो ओमेगा विल कम आउट टू बी अंडर रूट 2g बाय 3 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो टाइम पीरियड टी विल कम आउट टू बी 2 पाई 3 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन 2g। ओके, मेन तो मैं बोलूंगा जो ये वाला रिलेशन लिख पाना इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं दो अलग तरीके से लिख दूंगा, एंड लास्ट में ये वाला गलती मत करना, अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा मत कर देना, हमें अल्फा प्रोपोर्शनल टू फाइ प्रूफ करना है, तो उसके लिए ये वाला स्टेप जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। ओके ओके दोस्तों ध्यान दो, ये मेरे पास एक स्मूथ रिंग है, उसके ऊपर एक मास एम का बिड है जो फ्रीली स्लाइड कर सकता है इसके ऊपर। सिस्टम जो है वो मेरा इक्विलिब्रियम में है, ये इसके डायमीटर के अबाउट ओमेगा से जो है वो हमारा रोटेट कर रहा है। तो सवाल यहां पर ये है, जो सबसे पहले तो ओमेगा निकालो, और फिर अगर मैं एम को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देता हूं, तो इन दैट केस उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यहां पर निकालो। किस तरीके से करेंगे, अच्छा अगर हम ध्यान दें, यहां पर ये जो लेंथ है दैट विल बी नथिंग बट आर साइन थीटा,
ये जो मेरा डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट आर साइन थीटा, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड ये अगर मेरे पास आर साइन थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो डाउनवर्ड मेरे पास एम जी लग रहा है और इस तरफ मेरे पास लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, यानी दैट इज आर साइन थीटा, ठीक है। सो अगर मैं इसका सेंटर को ओ के अबाउट देखूं तो टॉर्क अबाउट ओ मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, ओ के अबाउट जो टॉर्क होना चाहिए वो हमारा जीरो होना चाहिए। सो mg का टॉर्क कितना होगा, mg और ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज नथिंग बट r sin थीटा, दैट इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r यानी स्मॉल r sin थीटा इनटू ये वाला डिस्टेंस दैट इज r cos थीटा। ये दोनों टॉर्क जो है वो हमारा इक्वेट होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान दूं एम एम गॉन, एक आर तो चला गया, साइन थीटा चला गया, तो जी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। सो ओमेगा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जी बाई आर कॉस थीटा इसका रूट, सो दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा जो हम लोग यहां पर निकाल लिए हैं और इसके अबाउट सिस्टम जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। नाउ लेट स्मॉल m बी डिस्प्लेस्ड अपवर्ड बाय स्मॉल एंगल फाइ, इसको मैं छोटा सा एंगल से डिस्प्लेस कर रहा हूं बाय एन एंगल ऑफ फाइ। तो अब जो मेरा सिनेरियो बनेगा ध्यान दो, यहां पर सेंटर पे जो एंगल बनेगा That will be theta plus phi. यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है mg और ये वाला डायरेक्शन पे है m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r साइन ऑफ theta plus phi. तो अब जो रिस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास आएगा वो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आएगा, अच्छा ध्यान दो ना एम ओमेगा स्क्वायर आर उजाड़ने वाला टॉर्क है, एम जी जो है वो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है, सो दैट विल बी एम जी आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइ माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइ कॉस इंटू आर कॉस थीटा प्लस फाइ, सो दैट इज अ नेट टॉर्क दैट वी आर गोइंग टू गेट। सो यहां पर जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, अच्छा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, जी बाई आर कॉस थीटा, ठीक है, तो आर आर तो कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, एक मेरे पास कॉस थीटा का टर्म जो है वो नीचे बचेगा, सो दैट विल बी एम जी आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइ, ये भी कॉमन पे आ जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस फाइ इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइ डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है।
सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। एंड अब मुझे यहां पर इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की जरूरत है। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास नीचे तो जो है वो मेरे पास कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे जो है वो मेरे पास साफ साफ कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। सो यहां पर इसको तो मैं लगभग साइन थीटा लिख देता हूं, तो दैट विल बी एम जी आर टेन थीटा, और ऊपर जो आएगा दैट विल बी कॉसे माइनस कॉस बी, तो आ जाएगा टू टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाय टू इंटू साइन ऑफ फाइव बाय टू। साइन ऑफ फाइव बाय टू को मैं सिंपली साइन फाइव लिख सकता हूं, और इसको मैं अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा लिख दूं, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली एम जी आर टेन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू फाइव, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज सिंपली एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली एम आर स्क्वायर आएगा, एम एम इज कट, तो अल्फा आ जाएगा जी बाई आर टेन थीटा साइन थीटा इंटू फाइव। सो दिस इज माई ओमेगा स्क्वायर, सिंपली यहां से ओमेगा निकालो और फिर वहां से टाइम पीरियड निकाल दो, वी आर सिंपली डन। ओके ओके दोस्तों, क्या बोला है देखो, मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है दैट इज मेड अप ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, वन ऑफ डेंसिटी रो अनदर ऑफ डेंसिटी टू रो, और ये मेरा एक लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, ठीक है, एंड इट इज फ्लोटिंग इन इक्विलिब्रियम। So it is given a small angular displacement about O. Then we have to find the time period of small oscillations. तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसके बारे में समझो। अच्छा सॉरी अबाउट O लिख दिया मैंने, सॉरी अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सॉरी। अच्छा बाय द वे सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास को एक बार लोकेट कर लेते हैं। अच्छा ये वाला जो मेरा रोटेशन वाला काम जो है वो मैं एक बार कर लेता हूं। ये मेरे पास एक रो डेंसिटी का हेमिस्फीयर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का हाइट होता है वो हम जानते हैं दैट कम्स आउट टू बी 3r/8, ठीक है। So, ये वाला मेरा पॉइंट ओ है, और यहां पर भी ये 3r/8 पे होगा नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा इसका जो एम वन होगा 2/3 πr³ इंटू रो, और नीचे वाले का जो M2 होगा 2/3 πr³ इंटू टू रो। सो जो मेरा YCM होगा M1 इंटू 3r/8 माइनस M2 इंटू 3r/8 by M1 plus M2। अच्छा M1 plus M2 अगर मैं करके देख लूं तो एक बार ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 2/3, सो मेरे पास आ जाएगा r/8 माइनस 2r/8। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो है वो मेरे पास आ गया है माइनस r/8, ठीक है। अच्छा नोट एक चीज नोट करना, एज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड विल बी सिमेट्रिक, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड विल बी सिमेट्रिक,
दैट सिंपली इंप्लाइज ओ विल बी द सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, अरे बॉयंट फोर्स कितना होगा? जो मेरा बॉयंट फोर्स होगा वो तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी, क्योंकि वो तो हमारा वेट को काउंटर बैलेंस करेगा। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास थ्री रो आ जाएगा, थ्री थ्री तो कटेगा, सो टू पाई आर क्यूब रो जी, ये मेरे पास आ जाएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉल वो भी तो मुझे आखिरकार चाहिए होगा, अबाउट द सेंटर ऑफ मास वो मेरा कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हो जाएगा मेरा? ध्यान देना, जो मेरा सॉलिड हेमिस्फीयर होता है ये वाला पॉइंट के अबाउट तो मुझे मालूम होता है, ये वाला पॉइंट के अबाउट जो है वो तो मुझे मालूम होता है। तो ऊपर वाले का अगर मैं I1 निकालना चाहूं तो दैट विल बी 2 बाई 5 एम वन इंटू आर स्क्वायर, वो तो इस पॉइंट के अबाउट आएगा, बट इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा माइनस एम वन थ्री आर बाई एट का होल स्क्वायर प्लस ओवरऑल ये वाला पॉइंट में मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ये थ्री आर बाई एट है, वहां से आर बाई एट नीचे यानी फोर आर बाई एट यानी आर बाई टू यानी एम वन इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर। और सिमिलरली दूसरे वाले का अगर मैं बनाऊं I2 मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 बाई 5 एम टू आर स्क्वायर, 2 बाई 5 एम टू आर स्क्वायर माइनस एम टू इंटू थ्री आर बाई एट का होल स्क्वायर प्लस एम टू इंटू आर बाई फोर का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी टू बाई फाइव एम वन प्लस एम टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा पहला टर्म। अच्छा एम वन माइनस M1 into 9R square by 64 minus R square by 4। तो ये हो जाएगा मेरे पास सॉरी ये I हाँ, और यहां पर आ जाएगा माइनस M2 9R square by 64। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर बाई 16। ओके काफी गंदा कैलकुलेशन है एक्चुअली। ओके लेट्स सी, तो एम वन प्लस एम टू इंटू आर स्क्वायर ये वाला टर्म तो हमारे पास आ जाएगा टू बाई फाइव माइनस नाइन बाई 64 प्लस एम वन आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम टू आर स्क्वायर बाई 16। ओके टू बाई फाइव माइनस नाइन बाई 64 यहां पर तो मेरे पास 320 आएगा, तो कोई एलसीएम वगैरह का फंडा तो नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा 320।
64 मतलब हो गया 128, ठीक है। माइनस 5 मतलब यहां पर हो गया है 45, ठीक है, यहां पर हो जाएगा 45। M1 प्लस M2 उन दोनों का वैल्यू कितना है, मैं पहले भी कैलकुलेट किया था, यहां पर रो रो तो हमारा खत्म हो गया है, तो यहां पर 3 रो हो जाएगा, तो मेरे पास यहां पर हो जाएगा 2 रो पाई आर क्यूब, 2 रो पाई आर क्यूब, 2 रो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होके आर टू द पावर 5 प्लस M1 आर स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई आर टू द पावर 5 बाई 6 और यहां पर बाई 16, तो 16 होगा तो ये कटेगा 4, तो पाई आर टू द पावर 5 रो बाई 12। So, मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, यहां पर मेरे पास कितना हो जाएगा 45, सो 83 बाई 160 पाई आर टू द पावर 5 और ये दोनों का हो जाएगा पाई आर टू द पावर 5 बाई 4 इंटू रो, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड इन दोनों को अगर मैं वापस ऐड करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 40, तो सो दिस विल बी 40 प्लस 83 123 बाई 160 पाई आर टू द पावर 5 रो, दैट इज गोइंग टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लीज चेक द कैलकुलेशन अगर कहीं पर गलती है तो, ठीक है। बाकी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मैंने निकाल दिया हूं, बहुत ही ज्यादा भयानक कैलकुलेशन आ गया है, डेटा बहुत गंदा सेट हुआ है। खैर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास इतना आ जाएगा 1 by 123 by 160 पाई आर टू द पावर 5 इंटू रो। अच्छा, अब अगर मैं सिस्टम को टिल्ट करता हूं तो ये मेरा सिस्टम जो है वो मेरा टिल्ट हो गया। मान लो कोई एक स्मॉल एंगल थीटा से मेरा टिल्ट हुआ है, तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास से तो मेरा एमजी लग रहा है, और जो ओ वाला पॉइंट होगा वहां से मेरा पॉइंट फोर्स लगेगा। जो मेरा एंगल ऑफ टिल्ट है वो एंगल ऑफ टिल्ट को मैं थीटा अगर मान लेता हूं, ये जो डिस्टेंस है दिस इज गोइंग टू बी आर बाई 8, ये जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू आर बाई 8। सो ये जो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, आर बाई 8 इंटू साइन थीटा, ठीक है। सो टॉर्क जो आएगा दैट विल बी सिंपली पॉइंट फोर्स इंटू आर बाई 8 साइन थीटा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे लेना है, तो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू पॉइंट फोर्स इंटू आर बाई 8 इंटू साइन थीटा, राइट। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू पॉइंट फोर्स का वैल्यू 2 पाई आर क्यूब रो जी आर बाई 8 इंटू थीटा, क्योंकि साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेट थीटा जो है वो तो बोल सकता हूं, तो पाई रो जी आर टू द पावर 4 बाई 4 इंटू थीटा, एंड दैट इज नथिंग बट आई इंटू अल्फा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 123 बाई 160 पाई आर टू द पावर 5 रो इंटू अल्फा।
प्लीज चेक द कैलकुलेशन, हो सकता है कैलकुलेशन में कोई गलती हो गया हो। अच्छा हाँ, यहाँ पे अक्सर मिक्स कॉन्सेप्ट होता है, जो ओके अबाउट ऑसिलेशन तुम देख लेते हो वो नहीं देख सकते हो, क्योंकि ओ पॉइंट जो है वो खुद मेरा एक्सिलरेटेड फ्रेम है, जो पॉइंट ओ होगा वो मेरा खुद एक्सिलरेटेड फ्रेम होगा। पूरा एनालिसिस को हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम जी लग रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। राइट, सो पाई पाई गॉन, रो रो गॉन, ये आर टू द पावर फोर में तो ये कट गया है, तो अल्फा मेरे पास आ जाएगा 40g/123r इंटू थीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी माई ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड आएगा 2π/123r/40g, सो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द बॉल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ओके ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक लाइट स्टेप पुली है, ये वाला रेडियस जो है वो है मेरा स्मॉल आर, और ये वाला रेडियस जो है वो है मेरा 2r, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजिशन में अगर हम ध्यान दें, सो यहां पर मान लो इसका जो इलोंगेशन है वो है मेरा x नॉट, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो मेरा टेंशन लगेगा t, वो तो मेरा mg ही होगा, और यहां पर जो टेंशन लगेगा वो मेरा t डैश अगर मैं बोलता हूं, ठीक है। ये है मेरा इक्विलिब्रियम इलोंगेशन, ये है मेरा इक्विलिब्रियम इलोंगेशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम इलोंगेशन पे अगर मैं देखता हूं, सो टी डैश का जो मेरा वैल्यू होगा, क्या मैं लिख सकता हूं, दैट विल बी एम जी प्लस के एक्स नॉट, क्योंकि टी डैश जो है वो एम जी के वेट के साथ साथ जो स्प्रिंग फोर्स है उसको भी तो बैलेंस कर रहा है। अच्छा, क्योंकि हमारा स्टेप पुली जो है वो मेरा लाइट है, तो नेट टॉर्क तो हमारा हर हाल पे ही जीरो होना चाहिए, तो एम जी इंटू टू आर दैट मस्ट बी एम जी प्लस के एक्स नॉट इंटू आर, ठीक है। तो नेट टॉर्क तो हमारा इक्वेटेड होना चाहिए, सो आर आर इज गॉन, तो मेरे पास आ जाएगा जो के एक्स नॉट है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। नाउ द राइट ब्लॉक इज ब्रॉट डाउन by x, तो spring elongates further by y। मैं राइट वाले ब्लॉक को मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने एक्स नीचे करूंगा, तो ये वाई अमाउंट से स्प्रिंग फर्दर इलोंगेट करेगा। अच्छा, मैं किस तरीके से करूंगा उसका? अच्छा, अगर ये वाला राइट डाउन को मैं राइट को मैं एक्स से नीचे लाता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है पुली रोटेट्स by theta, that will be equals to x by 2r in the clockwise sense, क्योंकि पुली कोई तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इतना एंगल से पुली रोटेट करेगा, और पुली अगर इतने से रोटेट कर रहा है
तो ध्यान देना यहां पर ये पुली इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग को भी तो रैप अप करेगा। तो लेफ्ट स्ट्रिंग गेट्स रैप्ड अप बाय आर इंटू थीटा एक्स बाई टू, और ये वाला स्ट्रिंग जितने से रैप अप करेगा ध्यान देना वही तो मेरा वाई भी होगा, वही तो मेरा वाई भी होने वाला है, ये बात तो निश्चित है, राइट। सो दोस्तों अब दोनों का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, राइट वाले पे ये है मेरा mg, ऊपर है मेरा टेंशन t, एक्सीलरेशन जो है वो मान लो है अपवर्ड a1। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं t माइनस mg दैट इज इक्वल्स टू m इंटू a1, t माइनस mg दैट इज इक्वल्स टू m इंटू a1। अच्छा अब अगर मैं दूसरा देखता हूं यहां पर ब्लॉक, यहां पर मेरा t डैश है, डाउनवर्ड मेरा mg है और यहां पर है kx0 प्लस y। ये अगर मेरा a1 से ऊपर जा रहा है तो मान लो ये a2 से नीचे आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं mg माइनस k x नॉट प्लस y m इंटू a2। ये इसके अकॉर्डिंग सेकेंड इक्वेशन है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, सॉरी अच्छा मान लो वो वाला इंस्टेंट पे ये जब ऊपर जा रहा है ये मेरा अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो अल्फा इंटू टू आर मस्ट बी ए वन एंड अल्फा इंटू आर दैट मस्ट बी ए टू, ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वरना धागा टूट जाएगा, यानी ए वन इक्वल्स टू टू ए टू। और दूसरा मैं और एक चीज लिख सकता हूं जो भाई टॉर्क बैलेंस तो होना चाहिए, टी इंटू टू आर मस्ट बी इक्वल्स टू टी डैश इंटू आर, तो टी डैश मेरा टूटी होना चाहिए। सो नाउ बेस्ट वे टू सॉल्व इज क्यों ना ये वाला इक्वेशन को इंटू टू कर दूं और दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा टी टी तो कट, टी और टी डैश तो कट जाएगा, mg प्लस के एक्स नॉट प्लस वाई माइनस टू एम जी 2m a1 प्लस m इंटू ए टू, ये तो मैं साफ साफ लिख सकता हूं, ठीक है राइट। एंड यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो kx0 और mg तो मेरे पास कट जाएगा, सो ky ky kx0 माइनस mg वो तो मेरा खत्म हो जाएगा, तो k इंटू y That will be equals to 5m a2. Now y equals to x by 2, kx by 2, 5m a1 by 2. तो a1 जो आ जाएगा k by 5m into x. So this is my omega square. तो टाइम पीरियड टी
टू पाई अंडर रूट फाइव एम पाई के, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके,